वेलकम टू एसआरजी स्पोर्ट्स ऑफिशियल। आज हमारे साथ जुड़े हैं जयेश उत्तेकर जी और जयप्रकाश जायसवाल। इनकी टीम भी जो है आज इस घोष ट्रॉफी में खेल रही है और उनका काफ़ी अच्छा पोजीशन है। हम लोग ने जब उनसे बात करना चाहा तो उनका आधा ध्यान वहाँ था कि वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है ना, बोलिए ना सर जयेश जी, आप ये कब से आपने शुरू किया? गर्ल्स क्रिकेट तो हम लोग लास्ट 5 साल से खेल रहे हैं। ओके। और इसमें कैसा है कि हम लोग का इंटेंशन है कि गर्ल्स को मैक्सिमम टूर्नामेंट्स खेलने मिले, जिससे उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और उनकी ग्रोथ हो पाएगी। अच्छा, तो आप कितनी टूर्नामेंट्स खेलते हैं, कितनी मैचेस मिलते हैं इन बच्चों को? अभी यहाँ पे तो कैसा एक नॉकआउट टूर्नामेंट मिलता है जो एमसीए करती है, जैसे कि अभी स्पोर्टिंग यूनियन घोष ट्रॉफी कर रहे हैं वो मिलता है, और बाकी 2-3 हम लोग प्राइवेट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सी डिवीजन की लड़कियां हैं। ये सी डिवीजन की घोष ट्रॉफी। आज अच्छा किया आपने। अच्छा, 20 ओवर में 175 और अभी उनकी सेकंड इनिंग शुरू हुई है। हम लोग चेस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग मतलब अब आप सर जयसवाल जी, आप हमें बताइए कि आपका लड़का भी जो है मुंबई अंडर 19 खेल रहा है अभी। जी हाँ। अच्छा कर रहा है? जी हाँ, लास्ट ईयर अंडर 19 में भी परफॉर्म किया है। अच्छा, और 23 के लिए वो अभी फोकस प्रिपरेशन में है। अच्छा, आप अभी ये गर्ल्स को भी आप पढ़ाते हो, सिखाते हो यहाँ? वैसे तो आपका पूरा लाइफ जो है इसी ग्राउंड पे गया, आपका मतलब एक जनरेशन जो है वो इस ग्राउंड पे गया है और आप मतलब इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इस मैदान से जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्या यादें हैं कि गर्ल्स क्रिकेट जो है यहाँ हड़कर सर थे, हाल ही में उनका देहांत हुआ 2 वीक पहले, तो मुझे याद है 1979 में हमारी कॉलेज की टीम जो है नेट्स यहाँ चलते थे और साथ में जो है लड़कियों को जो है हड़कर सर सिखाते थे, आज भी मुझे वो याद है। आप मुझे ये बताइए कि आप मटू न्यू हिंद से जुड़े हुए हैं, न्यू हिंद दादर पारसी कॉलोनी डीपीसी कॉलोनी। अच्छा, तो आप वहाँ आपका नेट चलता है? जी हाँ, हमारा वहाँ नेट चलता है। तकरीबन एक मैं 12 साल से कोचिंग कर रहा हूँ बॉयज़ को, अभी गर्ल्स को मिला के मैं और जय सर मिल के हम लोग 6 साल से कर रहे हैं कोचिंग। अच्छा, और ये कोशिश कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म उनको मिले, अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलते जाए, टूर्नामेंट्स मिले, आगे जाएं। अच्छा, आप कितना प्रैक्टिस मैचेस इनको खिलाते हो? टूर्नामेंट्स तो खेलते ही हैं। महीने में हम लोग एक्चुअली 4 से 6 मैचेस खेलने को ट्राई करते हैं। अच्छा, जैसे कि उनको बॉयज़ के साथ भी खिलाते हैं? बॉयज़ के साथ भी खेलते हैं, ताकि और ज़रा और टफ हो सके। अच्छा, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये गर्ल्स जो है वो उनका कमिटमेंट, उनका खेल के प्रति जो आत्मीयता रहती है, तो बॉयज़ और गर्ल्स में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आता है अप्रोच में? नहीं, अभी तो कैसा है कि गर्ल्स को जो फैसिलिटीज मिल रहे हैं उसके हिसाब से अभी उनका जो बिहेवियर वो चेंज होते जा रहा है। कभी हम लोग अगर आईपीएल भी देखते हैं, वुमेन्स लीग देखते हैं, तो उनका भी जो खेल का जो स्तर है अभी बहुत ऊपर आते जा रहा है। तो अभी गर्ल्स में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, मतलब अच्छे ही चेंजेस आ रहे हैं। यस, पॉजिटिव चेंजेस। ओके, अच्छा, तो आप अभी ये जो टूर्नामेंट है, ये आपकी जो भी मतलब गर्ल्स खेल रही है, जो कि आपके नेट्स में आप रेगुलर उनको ये करते हैं, तो मैच में आज अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, तो आप मतलब यहाँ जो है ये मेरे ख्याल से नॉकआउट टूर्नामेंट है, इट्स अ लीग टूर्नामेंट, तो इनको कितनी मैचेस मिलेगी? तीन मैचेस मिलेगी। तो मतलब 3 मैचेस मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनको वो बच्चियाँ काफ़ी सीखेगी इसमें से। तो मेरे अंडर 15 भी जो है वो भी मेरे ख्याल से कांदिवली में जो है लास्ट ईयर से वो टूर्नामेंट शुरू हुई है, वो भी आप खेलेंगे? नहीं, लास्ट ईयर हम लोग नहीं खेले थे अंडर 15। वो एक्चुअली एमसीए ने ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, वो जॉली में टूर्नामेंट्स हुआ था, राजकोपर जॉली में। यस, इस साल अपनी 2 लड़के उसमें पार्टिसिपेट किए थे, कार्या लोखंड, और अभी जो लेटेस्ट हुआ तो स्वरा श्रेया हिरे करके उसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, ओके, तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ इनका नेट्स कब चलता है, मॉर्निंग में आप डीपीसी में चलता है इनका, रेगुलर आती है मॉर्निंग में? सैटरडे संडे रहता है हम लोग का। अच्छा, सैटरडे संडे। हाँ, वीकडेज में कैसा है कि बॉयज़ के साथ हमारे वो खेलती हैं। ओके, ट्यूजडे टू फ्राइडे में। अच्छा, तो अभी आप जो है आपके आगे के प्लान्स क्या है इन लड़कियों के बारे में, खासकर उनके क्रिकेट के बारे में, आप और क्या मतलब आपके और किस तरफ आप जा रहे हो, कि आपकी क्या कोशिश रहेगी इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए? नहीं, बेसिकली तो वही है कि जैसे सर ने बोला कि अभी तो ये लोग सिर्फ सैटरडे संडे कर रहे हैं, तो लोग डेली प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम हावर्स प्रैक्टिस करेंगे तो उनका जो लेवल है वो इम्प्रूव होगा। और बेसिक है कि उनको मैक्सिमम मैचेस खेलने हैं,
तो मैचेस खेलेंगे तो ही उनमें वो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेले, उनको मैक्सिमम टूर्नामेंट मिले। जैसे कि अभी स्पोर्टिंग यूनियन के तरफ से जो गोस्ट ऑफ एक उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सब लड़के लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे, तो इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर देम। एंड मैं स्पोर्टिंग यूनियन और अरुणज्योति मैडम का शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग ये अपॉर्चुनिटीज उनको दे रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी बीच में जो है इनका सिलेक्शन ट्रायल्स हुआ था लड़कियों का, तो यहाँ से भी लड़कियाँ गई थी वहाँ, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एक जो ट्रायल बीकेसी ने किया था बाद में, और भी पारसी जिम खाना में भी एक ट्रायल बाद में हुआ था जो लेट हुआ जरा सा लेट, लेकिन आपकी यहाँ की लड़कियाँ वहाँ वहाँ गई थी सिलेक्ट हुई थी, लड़कियों सिलेक्ट हुई थी। ओके अच्छा, वेरी गुड, मतलब इम्प्रूवमेंट है। आप मतलब पाँच साल से आप अगर गर्ल्स का ये क्रिकेट जो है इनको आप इनकरेज कर रहे हो, इन बच्चियों को जो है, तो इम्प्रूवमेंट आप देखते हो। ओके, तो आने वाले दिनों में जो है डीपीसी की भी गर्ल्स की टीम होगी, आप क्या कहते हो सर? हमने सर तो डीपीसी की ऑलरेडी लास्ट ईयर से ही हमने टीम फॉर्म कर दी थी और हम लोग लीग भी खेले थे। अच्छा, और ये साल भी हम लोग अभी वुमेन्स जो नॉकआउट्स टूर्नामेंट्स हैं उसमें खेलेंगे हमारी गर्ल्स। ओके, तो डीपीसी नॉकआउट टूर्नामेंट भी खेलेगी ताकि वो लीग में आ सके। यहाँ फोर डिविजन्स है राइट, ए बी सी डी, ऐसी गर्ल्स की चार डिवीजन है और नॉकआउट है। ये जो है सी डिवीजन के मैचेस चालू थे, तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने ए बी डिवीजन के लिए कुछ टूर्नामेंट रखे हैं, तो सब बच्चों को अपॉर्चुनिटी के लिए जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का ये प्रयास है जो कि काफ़ी अच्छा है, इसकी सराहना होनी चाहिए। और मैंने जब भी आज दिन भर में बात कर रहा था, जो मुंबई में क्रिकेट गर्ल्स की होती है जितनी कॉम्पिटिशन होती है जितनी टूर्नामेंट्स होती है, ऑल ओवर इंडिया इतनी कभी भी नहीं होती, तो इनको जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। चार साल पहले ये सिनेरियो नहीं था, नहीं था सही बात, लेकिन आफ्टर कोविड मेरे ख्याल से काफ़ी टूर्नामेंट जो बच्चों को टूर्नामेंट्स मिले, 13 टूर्नामेंट्स है तो वो मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि मुंबई क्रिकेट जो है अच्छे हाथों में है और आप इनका फ्यूचर जो है काफ़ी अच्छा देखते हो। आपका आप क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? मैं तो यही उनको कि जो भी है उनका हमारे तरफ से मैसेज है कि आप जितने से जितने अपने आप को इन्वॉल्व कर सको गेम में, जितने मैचेस खेल सको, आप टाइम दे सको। पेरेंट को भी यही बोलना चाहूँगा कि उनको आप सपोर्ट करें। बिल्कुल, पेरेंट तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, इनफैक्ट पेरेंट का सपोर्ट ज़रा ज़्यादा ही होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर आप बोले सर? नहीं, जैसे सर ने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि होनेस्टी, आपका एफर्ट्स में होनेस्टी होना ही बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी। लोग क्या करते हैं, एक साल दो साल ट्राई करते उसके बाद गिव अप करते, तो आपको आपके प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी रखनी है और होनेस्टली आपको एफर्ट्स करने, तो आपको इसमें सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। और पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। yes. तो पेरेंट्स भी कैसे करते हैं कि दो तीन साल में कुछ नहीं हुआ तो उनको सपोर्ट करना बंद करते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि बच्चों को सपोर्ट करो, अगर हॉनेस्टली एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि पेरेंट्स भी जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, खासकर लड़कियों के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट एसआरजी स्पोर्ट्स के लिए जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।